बैठे, जिसको तुम कीड़ी कहते हो, चींटी कहते हो, भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। अनुविज्ञान महत्वभिज्ञान की घोषणा वेद करता है आपके सामने। याद रखो त्रिवेणी पदार्थ चक्र में विष्णुर्भोता विष्णुर्भोक्ता अदाभ्य, वो कहते हैं कि जो परमात्म सत्ता है वो अदाभ्य, किसी से कभी दबने वाली नहीं, कहीं छिपने वाली नहीं, किसी के नीचे दब जाने वाली नहीं, वो हमेशा अपने आप को प्रकाशित करती रहती है। तथा धर्माणि धारयन्, और उसी के द्वारा संपूर्ण धर्म धारण किए जाते हैं। धर्म को धारण करने वाली वह परमात्म सत्ता है, वह विष्णु है, वह वैष्णव ही सत्ता है, और उसी वैष्णवी शक्ति की आज लोग उपासना कर रहे हैं। और वेद ने ये बताया कि जो संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली सत्ता है उसको धर्म कहते हैं, और धर्म को धारण करने वाली जो सत्ता है उसको वैष्णवी सत्ता कहते हैं। वह एक परमात्मा की सत्ता है, उसमें अनेकता के लिए कोई स्थान नहीं है। उसी परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के प्रथम पुरुष को अपने उसी दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। महाभारत शांति पर्व में ये बात बताई गई है कि उस परमात्मा ने सृष्टि में उत्पन्न हुए प्रथम पुरुष को अपने उसी दिव्य धर्म का उपदेश दिया, और आगे चल करके उस पर प्रथम पुरुष ने अपने आने वाली संतानों को उसका उपदेश दिया, और ये प्रक्रिया त्रेता के अंत तक चलती रही। जिस धर्म का उपदेश परमात्मा ने दिया था ब्रह्मा के द्वारा दक्ष प्रजापति को, प्रजापति के द्वारा उनके दौहित्र आदित्य को, सूर्य को, विवस्वान को, और उन विवस्वान के द्वारा उनके पुत्र इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के द्वारा मानव मात्र में प्रचार जिसका किया गया था, वह धर्म धीरे धीरे त्रेता के अंत में आकर रुप्त हो गया। त्रेता के अंत में आकर क्यों लुप्त हो गया, इसके रहस्य को भी समझ लिया आप लोग दो मिनट में। त्रेता कहते हैं उस युग को, उस अवस्था को, जिसमें मनुष्य के जीवन में सतोगुण के साथ रजोगुण की अभिवृद्धि हो जाती है, और रजोगुण के साथ जब सतोगुण काम करता है, यदि सतोगुण का प्रकाश बना रहे फिर तो मनुष्य का जीवन उत्तम होता है, और यदि रजोगुण प्रबल हो जाए, सतोगुण को दबा दे, तो उसमें मनुष्य का जीवन भ्रांतिपूर्ण हो जाता है। तो त्रेता तक तो सतोगुण का प्रकाश बना हुआ था, और उसमें रजोगुण सतोगुण के प्रकाश में सक्रिय था, लेकिन जब द्वापर युग आया तो उसमें तमोगुण का प्रवेश हो गया। तमोगुण के प्रवेश होते ही रजोगुण प्रबल हो गया, सतोगुण दब गया, और उस समय धर्म का यथार्थ रूप धीरे धीरे लुप्त होने लगा। जैसे जैसे सतोगुण की वृद्धि होती गई, वैसे ही वैसे धर्म लुप्त होता गया, यानी सतोगुण का प्रकाश लुप्त होता गया। आप अपने जीवन को ही देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन को देखिए, यदि उसमें जड़ता आ जाए, उसमें तमोगुण आ जाए, उसमें प्रमाद आ जाए, तो वहां पर धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो जाएगा, कर्तव्य दृष्टि का ह्रास होना प्रारंभ हो जाएगा, आलस्य प्रमाद का साम्राज्य होने लगेगा, अज्ञानता का प्रबल होने लगेगा, और जैसे जैसे सतोगुण की वृद्धि होगी वैसे वैसे उसे धर्म में जागृत होगी, उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा, उसमें ऐश्वर्य का विकास होगा, क्योंकि धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ये सतोगुण के प्रकाश है। यहां जितनी मात्रा में सतोगुण रहेगा उतनी मात्रा में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रहेंगे मनुष्य में, जितनी मात्रा में सतोगुण छीण होता जाएगा उतनी मात्रा में इनका ह्रास होता जाएगा। ये जो युग की बात हमारे यहां कही गई है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, सतयुग है, ये सब गुणों से संबंधित है, ये बात याद रखना। कहीं ये न समझ लेना कि यह कलयुग है तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कहीं ये न समझ लेना कि सतयुग आएगा तो उसमें सबकी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी। ये गुण जो है इनके आधार पर युगों की प्रतिष्ठा होती है, और सतयुग आपके जीवन में आ सकता है, आपके सगे भाई के जीवन में कलयुग आ सकता है, क्या आप नहीं जानते? इसी पंजाब की पवित्र धरती पर एक महापुरुष का आविर्भाव हुआ, जिसको हम चौथे गुरु के रूप में जानते हैं, गुरु रामदास जी। उन्हीं के
तीन पुत्र हुए, उन तीन पुत्रों में दो पुत्रों की कहानी आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। एक छोटे पुत्र थे जिनको हम गुरु अर्जुन देव के रूप में पूछते हैं, और उन्हीं का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम पृथ्वीचंद था। और आप जरा सोचिए, वही उसी महापुरुष के बड़े पुत्र पृथ्वीचंद ने अपने छोटे भाई अर्जुन देव को जहांगीर से मिल करके तप्त तारे को भुनवा दिया। एक ही पिता के दो पुत्र थे, एक में पूर्ण सतयुग का प्रकाश था, दूसरे में घोर कलयुग निवास करने लगा। जिसने घोर कलयुग निवास किया उसने अपने देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए क्या किया आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो। और जिसमें पूर्ण सतयुग का प्रकाश था उसने अपने देश, जाति और धर्म के लिए क्या किया ये भी आप जानते हो। युग की बात यह नहीं है कि वो व्यक्ति कलयुग में पैदा हुआ था, वो व्यक्ति सतयुग में पैदा हुआ था, ऐसी बात नहीं। बात होती है गुणों की। एक में तमोगुण का प्राबल्य आया वो कलयुगी जीव बन गया, एक में सत्वगुण का प्रकाश हुआ तो देवता बन गया, सतयुगी जीव बन गया। इसी रूप से आप लोग यह ना समझ लेना कि कलयुग है इसमें सब पापी होते हैं, ऐसा नहीं। कलयुग माने तमोगुण, तमोगुण की प्रधानता में सब पापी हो गए, रजोगुण की प्रधानता में सब कर्मशील होंगे, सतोगुण की प्रधानता में सब धर्मशील होंगे। ये तीन ही अवस्था है, कर्मशील, धर्मशील और पापशील। जो तमोगुण में रहेगा वो पापशील होगा, जो रजोगुण में रहेगा वो कर्मशील होगा, जो सतोगुण में रहेगा वो धर्मशील होगा। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि में तीनों गुणों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए वेद कहता है त्रिनि पदा विचक्र में, वह परमात्मा सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में तीनों को प्रकाशित करता है। और तीनों को वो प्रकाशित ही नहीं करता, तीनों का रक्षक भी है, विष्णु को पाराध्य और तथा धर्मानि धारयन्, इन सबके धर्मों को धारण करता है। उस परमात्मा के द्वारा दिए गए धर्म का प्रकाश जैसे जैसे तमोगुण का विकास होता गया, प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे धर्म का लोप होता गया। द्वापर के अंत में आकर के तमोगुण प्रबल हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि धर्म का सर्वथा लोप हो गया। उसी परमात्मा ने, उसी विष्णु ने, उसी सर्वव्यापी परमेश्वर ने स्वयं को श्री कृष्ण के रूप में प्रकट किया, और प्रकट करके आने वाली संतानों के लिए उसी दिव्य धर्म का पुनः उपदेश दिया जिस दिव्य धर्म का उपदेश उसने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था। गीता के चौथे अध्याय में इस बात को भगवान ने स्वयं कहा है, इमं व्योष्टते योगं तत्त्वानहमव्यं व्योष्टवान् मन्ये प्राहम् अनुरुक्षावेदि एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजस्योगिनु स्वकाले नियमता योगमिष्टः प्रवर्तते। मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुनाने जा रहा हूं कि जिसकी व्याख्या मैं यहां कर रहा हूं गीता की, वो गीता आज से 5000 वर्ष पहले ही नहीं कही गई। वो परमात्मा का दिव्य संदेश है सृष्टि के आदि में। वह परमात्मा मानव के लिए अपना पवित्र संदेश देता है, मानव के संपूर्ण जीवन के विकास के लिए, नर को नारायण रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपने दिव्य धर्म का संदेश देता है, अनेकता में एकता का दर्शन करने के लिए अपने दिव्य धर्म का संदेश देता है। उसने शाश्वत सनातन धर्म का संदेश दिया। और जब तमोगुण की वृद्धि हुई, रजोगुण की वृद्धि हुई और व्यक्ति व्यक्तिवादी होता गया, व्यक्ति स्वार्थवादी होता गया, उसमें परमात्मा ने पुनः अवतरित होकर के उसी दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया अर्जुन को माध्यम बनाकर। मैंने अपने धर्म विज्ञान भाष्य में इसको पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया है, युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा और ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गीता का उपदेश केवल आज से 5000 वर्ष पहले का नहीं है, ये अनादि उपदेश है, शाश्वत उपदेश है, सनातन उपदेश है, और उस सनातन विष्णु के द्वारा दिया गया है, और उसके द्वारा प्रतिष्ठित धर्म को ही सनातन धर्म कर गए। सनातन धर्म किसी व्यक्ति ने नहीं चलाया, याद रखो। दुनिया के जितने माने हुए जाने हुए धर्म हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा समाज में फैलाए गए, लेकिन सनातन धर्म का प्रतिष्ठापक कौन है क्या कोई बता सकता है? राम है? नहीं, राम तो धर्म के बालक है, धर्म के संस्थापक नहीं है। कृष्ण है? बोले नहीं, कृष्ण तो धर्म के रक्षक है, धर्म के संस्थापक नहीं है। फिर कौन है? कोई ऋषि है? बोले ऋषि भी नहीं है, क्यों? सत्य की कोई
संस्थापना नहीं करता, सत्य तो स्वयं में सत्य होता है। जो अनादि सत्य है, जुदा भी सत्य है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, उसकी प्रतिष्ठा भरा कौन करेगा, वो किसके द्वारा प्रतिष्ठित किया जाएगा? वो है कि अनुभूति जो कर ले वही उसका दृष्टा बन जाता है। जिसने उस है की अनुभूति की उनको दृष्टा कहा गया, वो ऋषि कहे गए, और जिसने उस है को पुनः संसार में प्रतिष्ठित किया उसको अवतार कहा जाता है। दृष्टा और अवतार में अंतर है। दृष्टा वह है जो उस है उस अधिष्ठित सत्य को अनुभव करता है, और अवतार वह है जो उस सत्य को प्रतिष्ठित करता है, प्रचारित करके मानव को उस दिशा में प्रेरित करता है। तो मैं आप लोगों से यह निवेदन कर रहा था कि जिस विज्ञान का उपदेश भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को माध्यम बनाकर दिया, वो नया नहीं था, वो शाश्वत धर्म का ही संदेश था। भगवान ने स्वयं कहा है, सकाले नेह माता योगो नष्टा परम तपः, हे अर्जुन काल को पाकर के वह दिव्य ज्ञान मेरा, दिव्य संदेश मेरा नष्ट प्राय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें माध्यम बना करके उस संदेश को पुनः दे रहा हूं। माध्यम क्यों चुना है तुम्हें, इसके लिए भगवान ने दो विशेषण दिए हैं। भक्तोसी, तू एक मेरा भक्त है, और सखा चेती, और तू मेरा मित्र है। ये बात याद रखना, गीता के इस दिव्य ज्ञान का वही पात्र बनेगा जो भगवान का भक्त होगा और भगवान का मित्र होगा। दो विशेषण भगवान ने दिया, तू मेरा भक्त है और तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं। आप भी भगवान के मित्र बन जाइए, आप भी भगवान के भक्त बन जाइए, आपके हृदय में भी गीता का दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। वह परमात्मा आपके हृदय को प्रकाशित करने के लिए आतुर है, क्योंकि वह आपका अपना है, आपका नित्य सखा है, सदैव आपके साथ रहता है। वेद ने एक संदेश दिया है कि एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी उस फल को खा रहा है, वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी उस वृक्ष के फल को खाता नहीं, केवल देख रहा है बैठा हुआ। वो वृक्ष क्या है, वो फल क्या है, वे पक्षी कौन है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। वो वृक्ष कोई दूसरा नहीं है, ये आपका जो शरीर है, यही मानव शरीर को वृक्ष कहा गया है। इसको वृक्ष इसलिए कहते हैं, इसका छेदन किया जाता है, टूटता है, नष्ट होता है, ये पैदा हुआ है एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी संज्ञा वृक्ष है। वृक्ष शब्द का अर्थ होता है जो नष्ट हो, जो छेदन हो, जो टूट जाए, जो बिखर जाए, उसको वृक्ष कहते हैं। तो आपका ये मानव शरीर ही वृक्ष है, इसके ऊपर दो पक्षी कौन है, एक आपकी आत्मा जिसे जीव आत्मा कहते हैं, दूसरा वो परमात्मा। क्या सही में परमात्मा और आत्मा दो है, बोले दो नहीं, कहा तो फिर दो पक्षी क्यों कहा गया, कहा वेद ने इसको स्पष्ट किया, छायात्म ब्रह्म विदो वदन्ति, कहा आपकी बुद्धि में जो परमात्मा का प्रकाश पड़ रहा है, परमात्मा की ज्योति जो प्रकट हो रही है, जिसके लिए हमारे सद्गुरुओं ने बताया कि एक ज्योति से सत्य को खोजा, वो एक ज्योति जो आपके इस ब्रह्म चक्र को प्रकाशित कर रही है, उस प्रकाशित ज्योति के द्वारा उसके नीचे चेतना का जागरण हो रहा है, चेतना का, क्योंकि वो आपका चित्र जो है, आपकी बुद्धि जो है, आपका ये ब्रह्म चक्र जो है सीमित है, इसलिए इसमें प्रकाशित होने वाली ज्योति भी सीमित है, सीमित होने के नाते वो उसकी छाया कही जाती है। तो ये छाया जो है इसको जीव आत्मा कहते हैं, और इसका प्रकाशक जो है उसको परमात्मा कहते हैं। ये दो पक्षी अलग अलग नहीं है, इसीलिए वेद ने कहा द्वासु वर्णा संज्ञा सिखाया, ये संज्ञा साथ साथ जुड़े हुए हैं, एक नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, एक की उपस्थिति में ही दूसरे का अस्तित्व है। यदि परमात्मा की ज्योति यहां प्रकाशित न हो तो जीवात्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, और जब तक परमात्मा की ज्योति प्रकाशित हो रही है तभी तक जीवात्मा का अस्तित्व है, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेद का कहा संज्ञा है और सिखाया, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं रह सकता, और समान वृक्ष सुझाते आपके इसी वृक्ष के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। दो केवल इसलिए कहे गए हैं
पे खड़े हो जाए, फिर क्या होगा? सूरज के सामने चलना प्रारंभ कर दें, फिर क्या होगा? आपकी छाया आपके पीछे पीछे चलती जाएगी। और यदि आप सूर्य की तरफ पीछ कर दें तो क्या होगा? आपकी छाया आपके आगे होगी। और उस छाया को पकड़ने के लिए यदि आप कोशिश करें तो जिंदगी भर कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जितने कदम आप आगे चलेंगे आपकी छाया आगे बढ़ती जाएगी। सूर्य की तरफ पीछ करते ही आपकी छाया आपसे आगे हो जाएगी, और सूर्य की तरफ मुंह करते ही आपकी छाया आपके पीछे चलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं यही स्थिति है आपके जीवन की। यदि आपका मुंह परमात्मा की तरफ हो गया, उस प्रकाशक की तरफ हो गया, तो आपका ये जीवन की छाया जो है ये आपके पीछे पीछे चलेगा। ये सारा विश्व आपके पीछे पीछे चलेगा, ये सब छाया है। और यदि आप परमात्मा की तरफ पीछ कर लेते हैं तो इस छाया को कभी आप पकड़ नहीं पाएंगे, ये आपके आगे आगे हमेशा चलता रहेगा। इसलिए वेद ने आपको समझाया कि धर्म का मूल स्रोत एक परमात्मा है, और उस परमात्मा की ये समग्र अभिव्यक्ति है। अनेक रूपों में जो आप देख रहे हैं केवल एक परमात्मा की सत्ता है, उसके सिवा किसी की सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी का बर्तन छोटा हो तब भी मिट्टी का है, बड़ा हो तब भी मिट्टी का है। जैसे सोने का आभूषण यदि नाक में पहना जाए तब भी सोने का है, घर में पहना जाए तब भी सोने का है, पांव में पहना जाए तब भी सोने का है। इसी रूप से इस सृष्टि में जो छोटे से छोटा प्राणी है वो भी परमात्मा की विभूति है, जो बड़ा से बड़ा प्राणी है वो भी परमात्मा की विभूति है। परमात्मा की सत्ता के सिवा इस सृष्टि में और किसी की सत्ता नहीं है, ये गीता का अमर संदेश है। और इसी संदेश को भगवान ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए प्रदान किया है। गीता यही बताती है तुम अनेकता में एकता का दर्शन करो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मैं पश्यति, भगवान कहते हैं जो सब में मुझे देख रहा है, सबको मेरे में देख रहा है, तस्य अहं न पश्यामि सच में न पश्यति, वह मेरे से दूर नहीं होता कभी, मैं उससे कभी दूर नहीं होता, मैं और वह दोनों एक हो जाते हैं। ज्ञानी तो अपने मतलब भगवान कहते हैं वह ज्ञानी है, उसको मेरी अपनी ही आत्मा बन जाता है, मेरे और उसमें कोई भिन्नता नहीं रह जाती। और नर का नारायण रूप को प्राप्त करना, पुरुष का पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करना, जीव का शिव पद को प्राप्त कर लेना ही लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति धर्म के बिना और कोई दूसरे आधार से नहीं हो सकती। आपको धर्म जो है वह इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता, आपका अधिकार जो है वो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता, आपके पास ऊंचा से ऊंचा पद हो तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता। केवल एक धर्म ही एक तत्व है जो आपको इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बन सकता है। इसलिए आप लोग उस धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने मूल में बताया, धर्म इंडिविजुअल नहीं है, वह इमर्सल है। धर्म में व्यक्ति बात के लिए स्थान नहीं है, वह समष्टि रूप है। धर्म व्यक्ति को विराट से अभिन्न समझाने की प्रक्रिया समझाता है, बताता है, उस दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए उस धर्म को समझने की कोशिश कीजिए। और वह धर्म कल पैदा नहीं हुआ, आज पैदा नहीं हुआ, किसी के द्वारा पैदा नहीं किया गया, वह धर्म शाश्वत है, सनातन है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन समय के अनुसार, गुणों की वृद्धि और ह्रास के अनुसार उस धर्म की ग्लानि होती है। जैसे भगवान ने बताया यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भोग भाव, उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। ग्लानि माने उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है। कैसे प्रकाश मंद पड़ जाता है? आपने दीपक जलाया होगा, देखा होगा, दीपक के ऊपर आप एक पात्र रख दीजिए, दीपक से निकलने वाली कालिमा जो है उस पात्र को धीरे धीरे काला कर देती है। जैसे जैसे वो पात्र काला होता जाता है, शीशा जिसको आप कहते हो, जैसे जैसे शीशा काला होता जाता है वैसे वैसे प्रकाश मंद हो जाता है। यदि प्रकाश नहीं रहा, प्रकाश तो है लेकिन प्रकाश से निकलने वाली कालिमा ने शीशे को काला कर दिया, इसलिए प्रकाश मंद पड़ गया। प्रकाश होते हुए भी अब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कालिमा से वो शीशा भर गया है जो उस दीपक के ऊपर रखा था। यदि उस कालिमा को दूर कर दिया जाए, शीशा साफ कर दिया जाए, फिर प्रकाश तो प्रकाशित होने लगेगा क्योंकि प्रकाश तो वहां उपस्थित है, मौजूद है।
इसी रूप से व्यक्ति के जीवन की कहानी है, व्यक्ति के जीवन की कहानी है, वह परमात्मा की दिव्य ज्योति के यहां जल रही है, लेकिन उस दिव्य ज्योति के प्रकाश में, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण साथ साथ रहते हैं, जो उसमें लाइट है वो तो सतोगुण का अंश है, उसमें जो क्रिया है मूवमेंट है वो रजोगुण का अंश है, और उसमें जो ऊपर कालिमा निकलती है वो तमोगुण का अंश है। अब इन तीन गुणों के द्वारा वो आपके जीवन ज्योति जल रही है अंदर, तो जैसे जैसे कालिमा बढ़ती जाएगी तमोगुण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन की ज्योति मंद बढ़ती जाएगी। यदि उस कालिमा को आप दूर कर दें तो आपके जीवन की ज्योति प्रकाशित होने लगेगी, और कालिमा को दूर करने की विधि का नाम है धर्म। सुनिए, ज्योति के यथार्थ स्वरूप के बोध का नाम है धर्म, और कालिमा को दूर करने की विधि का नाम है धर्म। यदि आप धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझेंगे तो आपकी जीवन ज्योति पुनः आप में पूर्ण प्रकाश प्रदान करेगी, और पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित होकर के आपका जीवन धन्य बन जाएगा। धर्म यही आपको सीख देता है। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि उस धर्म की साधना में आप स्वतंत्र हैं। भगवान ने गीता के छठे अध्याय में मानव मात्र के लिए एक संदेश दिया है, उसको याद रखिए आप लोग। उद्धरे आत्मना आत्मानं न आत्मानं औषधे आत्मनिवात्मनो बंधुरात्मैवेत्रात्मनः। हे मनुष्यो, तुम अपने उत्थान और पतन के स्वयं जिम्मेदार हो। कोई तुम्हारा उत्थान नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा पतन नहीं कर सकता, तुम्हारे पतन और उत्थान में तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम चाहो तो तुम्हारा उत्थान हो जाए, तुम चाहो तो तुम्हारा पतन हो जाए। ये बात याद रखो, गीता आपको पुरुषार्थवाद का संदेश देती है, भाग्यवाद का संदेश नहीं देती। गीता आपको परतंत्र नहीं बताती, गीता आपको पराधीन नहीं बताती, गीता आपको परम पुरुषार्थ का उपदेश देती है, और ये समझाती है कि आप अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार है। और इसी संदेश को यहां पर नित्य प्रति इस समय 6 दिन तक आप और सुनेंगे। रात्रि का कार्यक्रम जो है वो मैं गीता का जो क्रियात्मक स्वरूप है वो है रामचरितमानस रामायण। इस युग के धर्मद्रष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी गीता के दिव्य संदेश को अपने भगवान राम के पावन चरित्र के माध्यम से क्रियात्मक रूप में व्यक्त किया है। तो सवेरे के कार्यक्रम में मैं आपको गीता का जो दार्शनिक पहलू है वो समझाऊंगा, और सायंकाल के कार्यक्रम में गीता का जो क्रियात्मक स्वरूप है रामचरितमानस के माध्यम से रामायण की कथा सुनाऊंगा। और ये अभी रामायण की कथा तो आप सातों दिन सुनेंगे, अभी सायंकाल का कार्यक्रम तो है उसमें, और गीता के में उपलब्ध होता है, और गीता में मनुष्य को अपने उत्थान और पतन का स्वयं जिम्मेदार ठहराया गया है, घोषित किया गया है। तो आप लोग गीता के इस अमर संदेश को अपने हृदय में धारण करते हुए इस शास्त्र सनातन धर्म की अनादिता और वैज्ञानिकता को अपने हृदय में धारण करते हुए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। समय पूरा हो गया है और मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, सायंकाल को फिर आपसे मिलूंगा, और परमात्मा के पावन चरित्र के माध्यम से गीता का आदर्श पुरुष जैसे चित्रपट है वैसे रामायण का आदर्श पुरुष महात्मा भरत है। तो गीता के क्रियात्मक स्वरूप को रामायण में महात्मा भरत के जीवन चरित्र से समझाया गया है, वो मैं आप लोगों को भरत चरित्र की कथा शाम को सुनाऊंगा। उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर सुनने की कोशिश कीजिए, अपने और मित्रों को संदेश दीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, और फिर इसके बाद में क्या कार्यक्रम है आपने बताएंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओ
3